कि जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उनको खेलने के लिए जो है मतलब ये झूला दूंगी यार। पता क्या होता है, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया आज एक्चुअल में, क्योंकि मैं हूं अपने घर हिमाचल और एक ये फीलिंग अलग होती है। ये मम्मी देखो पीछे काम करते हुए, और ये बन रहा है मेरा डोसा, सब चीज रेडी है। ये स्टफिंग के लिए आलू सांबर एंड ये। तो यार घर आते ही ना सुबह आके पहले परांठे खाए गरम गरम और फिर मैं सोगी। और ये मैं कुछ दिखाती हूँ, मम्मी ने यहाँ पे मेरे और अरुण के फ्रेम्स लगवा दिए हैं पूरे, और ये आज मेरा पहला व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं अपने नए फोन से। और ये है हमारे फ्रेम जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए एंड ये देखिए। एक पिक्चर है मम्मी पापा हम चारों की है, वो अभी मैं दिखाती हूँ दूसरे उसमें एंड ये। तो ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है पूरा घर आके, ना बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है मुझे कि यार फाइनली घर पहुंच गए। मतलब वो बोलते हैं ना यार जब घर आओ तो एक अलग सी फीलिंग होती है, आते ही मैस डालना, चीजों को सुनना, खाने का ऑर्डर, ये और इसको बोलते हैं प्यार। मतलब माँ माँ होती है किस लिए, ये ना ये मैं लिफाफे की एक स्टोरी सुनाऊँ। इसको मम्मी ने ना 1.5 महीने से प्रिजर्व करके रखा है फ्रीजर में, और इसके अंदर मैं दिखाऊं कि क्या है आपको। तो ये है कांचनार की सब्जी, मेरी फेवरेट। ये मतलब वहां तो मिलती भी नहीं है, डेली वैली तो बहुत कम है। कांचनार कुराली बोलते हैं इसको, तो हिमाचल में तो लोगों को पता होगा। तो मेरे को इसकी सब्जी इतनी पसंद है, ये मम्मी ने, मैं घर नहीं आई अब 2 महीने से, मम्मी ने प्रिजर्व करके रखी हुई थी मेरे लिए कि मैं आऊंगी तो इसको बना के मुझे खिलाएंगे। और ये मेरा डोसा भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, आधा आधा पक चुका है, थोड़ा सा अलग होने लगा, अभी मैं इसको ढक के रखी हुई ताकि पूरा ये हो जाए। और पापा आ गए हैं लंच करने और मैं इरिटेट करना स्टार्ट। ये मैंने ना आज तक सबसे ज्यादा इरिटेट पापा को किया, मतलब इतना आते ही जंप करना ये वो, तो आज भी आके ना मैं वही हरकतें कर रही थी। सो ये मेरा डोसा पहला रेडी है और ये मैं पापा को दे दिया है, और ये स्टार्ट। और अब मैंने अगला जो है डोसा वो प्रोसेसिंग में रख दिया है पूरा बनने के लिए। यार आप लोग भी डोसा बनाते हो ना ढक के, ये फिर नीचे से ना अपने आप इसकी लेयर अलग होना शुरू हो जाती है, बड़ा सही बनता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरनेंद्र 7 व्लॉग्स। अभी बज रहे हैं शाम के 9, रात के 9, एंड बहुत ही एग्जॉस्टिंग डे रहा यार एज यूजुअल। हालांकि सैटरडे है आज, बट फिर भी बहुत ज्यादा काम था। एंड जैसा कि मैं पिछले कई व्लॉगों से बोलता रहा हूँ कि जब वो काम सामने आएगा तो आपको एक दिन पता चलेगा कि ठीक है यार, जो इतना बोल रहा था ये कि यार इतना काम है ये कर रहा हूँ, तो वो प्रोजेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। उपासना है घर पर, तो यार वो वहाँ से क्लिप शूट करके भेज रहे हैं। अब यार मेरे पास ना कुछ ज़्यादा शूट करने के लिए है नहीं, क्योंकि रिद्धि भी बनारस गई हुई है, उपासना हिमाचल गई हुई है। लेकिन यार कुछ देखते हैं, कहीं पे घूमने उमने का मैं प्लान बनाऊं, मैं सोच रहा हूं, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अभी मैं निकल रहा हूं ऑफिस के लिए, और आज मैं दिखाता हूं जो मैं हर बार बोलता हूं ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो ये ऑफिस है क्या। तो जब उपासना नहीं होती है तो जनरली यार मैं यहाँ पे सोना प्रेफर नहीं करता, मुझे बहुत सूनापन सा लगता है, तो मैं ऑफिस पे ही सोता हूँ, मैं वहीं पर काम करता हूँ। अभी उपासना की दुनिया चैनल पर जो आपने सुबह वीडियो देखी होगी, तो अभी मुझे जाकर वो फटाफट से एडिट करनी पड़ेगी ताकि वो अपने टाइम पर स्केड्यूल हो पाए। तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार ये ऑफिस है क्या जो मैं हर बार बोलता हूँ कि ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये हमारा ऑफिस है फिलहाल, तो यार कोई है नहीं, लगता मनोज कहीं बाहर गया है। ये आज का यार खाने का सामान रात का, क्योंकि यार बाहर का ना ऑर्डर करना पड़े। तो ये पोटैटो बाइट्स, ये वेजी फिंगर्स, एंड ये स्माइलीज। एक्चुअली यार ये ऑफिस है ना, एक हमने फ्लैट टाइप में लिया हुआ है, तो यहाँ पर ना हम लोग सारे बैठकर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। आशीष अपना काम करता है, मनोज अपना काम कर रहा होता है, मैं अपने ऑफिस का काम या फिर जो भी एडिटिंग वगैरह है या फिर जो भी मतलब मैं काम वाम करता हूँ फ्रीलांसिंग वगैरह, तो यहाँ पे बैठ के अगर घर पे बैठ के करूँगा ना तो मम्मी को ये लगेगा यार घर पे बैठा हुआ लड़का ना चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो वो बेरोजगार ही काउंट होता है। तो कभी जाके ये लिया, कभी ये लिया, या फिर रिद्धि आके डिस्टर्ब करेगी तो कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, इसलिए मैं आकर यहाँ पे
अपना सारा काम वाम करता हूँ, तो इसका नाम हमने ऑफिस दे रखा है क्योंकि यहाँ पे सब अपना अपना बैठ के काम करते हैं। तो यार अब करूंगा मैं काम स्टार्ट, और हाल ज्यादा मैं ऑफिस का दिखा नहीं सकता, फिलहाल सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो जब भी उपासना नहीं रहती है ना, तो मैं यहीं पे आके रात को मैं यहीं पे सोता हूँ, या फिर दिन में मैं जितना भी काम वगैरह मैं यहीं पे करता हूँ। तो अब अपनी एडिटिंग वगैरह कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद मूवी पे काम, फिर 3-4-5 जितने ही बजे नींद आती है फिर सो के, फिर कल सुबह करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। जैसे कल भी आपको वीडियो में अरुण ने बताया होगा कि मेरे से ना एक साथ खाना नहीं खाया जाता, मेरे को होता है कि बस थोड़ा थोड़ा खाना हो फिर उसको खाऊं। वो ये भी सब्जी मम्मी ने बहुत ज्यादा डाल दिया, मैं निकालूंगी इसमें से, और ये आ रही है मेरी गरम गरम चपाती। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज है डे 2 और मैं 11:30 बजे उठी हूँ। अभी 12:30 हो रहे हैं, नहा हो के अभी रेडी हुई हूँ क्योंकि आज यहाँ पे मंदिर है बाबा भर्तरी का, वहाँ पे भंडारा है। बहुत ही अरसे बाद ना धाम खानी है, मतलब आज मैं दिखाऊंगी आपको ट्रेडिशनल हाथ से वो सारा, बहुत टाइम बाद हम लोग बहुत एक्साइटेड है वहाँ जाने के लिए। मैंने तो कल जब बोले हैं, मैंने कहा पक्का डन, कोई इसमें सेकेंड थाट ही नहीं है कि नहीं आना है। तो यार हमारे ना मतलब आम, इतने सारे आम लगे थे, एक साल बहुत ज्यादा होते, एक साल और तूफान आया उस पेड़ पे एक भी आम नहीं रह गया, सारे के सारे आम जो है वो झड़ गए हैं पूरे। और अभी ना मैं कुछ अपनी बचपन की आपको ना यादें दिखाती हूँ कुछ कुछ की मैं क्या करती थी। अरुण तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, नहीं यार मेरे घर वालों ने ना इतनी नौबत नहीं छोड़ी, सबसे ऊपर तुम्हें टांग दिया है देखो, और मुझे पकड़ के टांगा है ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। और ये देखो यार, ये तो बहुत ही स्मार्ट लग रही है अरुण, मतलब इसमें मैं सॉरी तुम बहुत डैशिंग लग रहे हो साली, सो ऑल क्रेडिट गोज टू मी तुम्हारी ड्रेस के लिए, देखो परफेक्ट यार। वो मतलब कहते हैं ना कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना परिवार पूरा नहीं होता, तो ये ना मैंने पापा को गिफ्ट किया था। ये मेरी सारी बुआ हैं, ये जो एक्सट्रीम इधर बैठे हैं वो मेरे ताई जी हैं, इधर मम्मी और बीच में मेरी बुआ और पापा। तो ये मैंने इनको बहुत पहले बनाया था, पापा बहुत खुश हुए थे। और यार ये घर की शान होते हैं बड़े, और बड़ों के आशीर्वाद के बिना ना जिंदगी कभी नहीं चलती। तो यार मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, राधा कृष्णा जी मुझे बहुत टाइम से याद कर रहे थे, उपासना तो कहाँ है, तो मैंने बोला आ गई हूँ कान्हा जी, यहीं पे हूँ मैं। तो मतलब यहाँ पे ना मैं आज कुछ छोटी छोटी चीजों की स्टोरी सुनाती हूँ आपको। ये सबसे ऊपर एक छोटा सा काका दिखाई दे रहा है, ये इसका झूला है और ये ऐसे ऐसे हिलता है। ये जब मैं 6th क्लास में थी तब मैंने लिया था, कहाँ से लिया था, होशियारपुर में एक चाइना बाजार लगता था, तब नया नया ये ट्रेंड आया था चाइना बाजार का। तो मेरी नानी माँ से मैंने जिद करके लड़ाई करके लिया था, और मेरी नानी माँ तो नहीं है लेकिन ये मैंने संभाल के रखा हुआ है कि जब मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उनको खेलने के लिए जो है मतलब ये झूला दूंगी। यार पता क्या होता है, कई बार ना मतलब कुछ यादें ऐसी होती है ना जिसे आप ना चाह के भी ना कभी ही नहीं चाहोगे कि वो कहीं खो जाए, मतलब कभी भी नहीं। ऐसे ही पता, मेरी एक डॉल है वो भी नानी माँ लाए थे, वो ना उसको चूहा भी खा गया है कैसे ना कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वो डॉल है, चाइना बाजार से ली थी ये भी मैंने, देखो इसका रिबन बंद है, इसको ये देखो इसकी ड्रेस चूहा खा गया। तो आज मैंने सोचा है कि मैं इसकी ना ड्रेस सिलूंगी। ये भी मैंने रखी हुई है कि मैं मतलब जब मेरे बच्चे होंगे ना मैं सबसे पहले उनको ना ये चीजें दूंगी। तो मैं मतलब अरुण को भी कई बार ये चीज बोलती होती, मैंने कहा अरुण जो ये मतलब हम लोगों की जो ये धरोहर है ना, मतलब ये ना कभी भी जानी नहीं चाहिए कि जो हम लोगों की ये धरोहर है ना ये कभी नहीं जानी चाहिए, यही तो अमानत है ना यार, यही तो हमारे संस्कार हैं। और मैं आपको ना अपनी एक छोटी सी फोटो दिखाती हूँ, एक बहुत पुरानी अपनी। इस फोटो को देख के कुछ याद आया, मैं दिखाती हूँ। ये देखो जैसे अभी रिद्धि के दांत टूट रखे हैं ना, इस फोटो में सारे मेरे दांत टूट रखे थे, और ये लाल लाल लगाया हुआ था मम्मी पापा ने, और मेरे स्कूल के एक फंक्शन किया जहाँ पे मैंने ये डांस किया था, ये वहाँ की फोटो है। फिर ऐसे ही मतलब कुछ कुछ चीजें हैं ना जो बिल्कुल मैंने संभाल के रखी हुई हैं, जैसे कि ये फोटो, जैसे कि ये सोफा सेट, ये अब ना देखने को नहीं मिलता, पुराने टाइम में ये बेड होता था, ये ड्रेसिंग टेबल होता था, ये होता था, ये अब देखने को कहीं कहीं मिलता है अदरवाइज। और ये दूर कहीं शैंकी की फोटो दिखाई दे रही है, इसने वहां पे बोली थी पोइम और बोल के बोलता जय हिंद आदि लाइन में, हमें ये पिक की अभी भी स्टोरी याद है। तो मतलब ये यादें हैं यार। इस गाड़ी को देख के सबको अपना अपना बचपन याद आया होगा, ये रिमोट से चलती थी, इसका रिमोट भी कहीं पे पड़ा होगा, ये भी हमने संभाल के रखी हुई है एंटीने से। और ये तो मतलब ऐसी ऐसी चीजों का मुझे इतना क्रेज था ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इन फैक्ट इट्स आफ्टरनून। तो रात को यार काम करते करते काफ़ी देर हो गई थी, मैं करीबन सोया अराउंड 4 बजे के करीब मैं सोया था। फिर सुबह उठा, पहले 10 बजे उठा, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा और सो लेते हैं, फिर 10:30 बजे मैंने कहा थोड़ा और सो लेते हैं, उठते उठते यार 11:30 हो गए। फिर उसके बाद घर पर आया,
घर पे आने के बाद नहाया, फिर थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया, नाश्ता करने के बाद यार थोड़ा सा काम वाम देखा, फिर एक फाइनल कॉल थी, एक मीटिंग थी वो वाइंड अप की, उसके बाद यार एक ब्रांड का शूट था वो शूट किया, उसके बाद यार अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस निकलूं। और आज उपासना ने कहा है कि अरुण तुम्हें अपने वाला पोर्शन कम रखना है क्योंकि आज मैं शूट करके भेजूंगी एंड टाइटल वगैरह भी सब उन्होंने इस व्लॉग का भेजा है, तो वो वहां पर यार अपना बढ़िया एंजॉय कर रही है काफी दिनों के बाद, 2 महीने के बाद वो घर गई है इनफैक्ट। तो यार सही है, ठीक है, थोड़ा सा उनके लिए एक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा हो जाएगा इतने जो उनका हेक्टिक और बिजी स्केड्यूल होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार चला जाऊँ ऑफिस, ऑफिस जाके थोड़ा सा ये ब्लॉग वगैरह एडिट करेंगे एंड उसके साथ साथ यार प्लान कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं है, प्लान कर रहे हैं कि शायद जो आपको अगला व्लॉग है वो यहाँ से देखने को ना मिले, आपको सीधा ऋषिकेश से देखने का मिले, मतलब प्लान कर रहे हैं, ऐसा फाइनल नहीं है। लेकिन मुझे यार बहुत ही अर्जेंट अर्जेंट से कुछ कुछ से काम है और ऑफिस का मुझे पता लगता नहीं है कि मेरे को कल ऑफ मिल पाएगा, तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो शायद हम लोग रात को ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं, लेट्स सी। क्योंकि यार मेरे को ना राफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं अब तो थोड़ा सा कम हो गया वरना पहले मैं एक एक जब सीजन आता है ये मार्च से लेके मई या जून तक का, तो उसमें मैं 2-2 बार होकर आता था, तो अभी देखते हैं यार कैसे बन पाता है। फिलहाल कुछ यार शूट वगैरह भी करने थे मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह के, लेकिन वो भी पेंडिंग रह गए हैं। तो फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ यार ऑफिस के लिए, घर में पापा हैं, पापा रहे हैं, सो मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए एंड फिर उसके बाद देखते हैं आज कैसा प्लान हो पाता है। आज फिर मेरे साथ यही हुआ कि व्लॉग मैंने पूरा शूट करने के बाद एडिट वगैरह कर ले, तो मैंने देखा यार उसको एंड करना तो मैं फिर से भूल ही गया, वो क्लिप शूट ही नहीं की। फिर इस वाले व्लॉग को कर देना आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, यार बहुत जरूरी है कि भैया बेल नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि क्या हो रहा है कि वीडियोस पे जितने व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से लाइक्स नहीं आ रहे, तो एंगेजमेंट रेशियो चैनल का बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो इसीलिए वीडियो को कर दो आप लोग लाइक, कमेंट कर दिया करो यार कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर सिर्फ आप लोग वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।